खबर ग्वालियर जिले से है, जहां NSUI के द्वारा जीवाजी यूनिवर्सिटी में बड़ा प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह भी मौजूद रहे। बता दें कि विश्वविद्यालय की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के बाहर पहले जमकर नारेबाजी की हुई थी और फिर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को अपनी 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंप कर उन्हें जल्द पूरा करने की भी मांग की गई। वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो विश्वविद्यालय स्तर पर प्रदेश भर में बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। दरअसल नकलबाजी और भ्रष्टाचार के लिए अंचल ही नहीं प्रदेश भर में बदनाम हो चुकी जीवाजी यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ छात्र संगठन NSUI ने मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि इस प्रदर्शन का नेतृत्व मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह ने किया। वहीं एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के बाहर नारेबाजी की बाद सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अरुण सिंह चौहान के द्वारा चैंबर का घेराव किया गया। वहीं साथ ही उन्हें अपनी 8 सूत्रीय मांगों का भी ज्ञापन सौंपा गया। इस विश्वविद्यालय में बीकॉम और बीबीए की 100-100 सीटें हुआ करती थी 2 साल पहले, जो घटा के अब इन्होंने 60-60 कर दी है। मतलब विश्वविद्यालय का काम होता है बढ़ाने का, ना कि घटाने का, और जो इनके हाथ में है उन सीटों का घटाना बढ़ाना। तब बात की तो इन्होंने कहा रिसोर्स नहीं है। अब रिसोर्स नहीं है तो हमने बोला सीटें कैसे कम हुई, बोलते हैं डिपार्टमेंट्स ने कहा है। मतलब आपके पास ना तो फैकल्टी है ना तो टीचर्स हैं, और आप एक विश्वविद्यालय चला रहे हैं जिस जीवाजी विश्वविद्यालय से महान लोग पढ़ के गए हैं और जिन्होंने देश में निर्माण का काम किया है, अब आप हम लोगों को उल्टा पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो मेरी सोच और विचारधारणा उन विद्यार्थियों के साथ है जिनकी लड़ाई NSUI मिलके लड़ रही है। अगर इन्होंने 2-3 दिन के अंदर उन सीटों को 100-100 नहीं किया तो NSUI एक आंदोलन करेगी और उसका समर्थन यूथ कांग्रेस करेगी। NSUI ने जो ज्ञापन दिया है उसमें बीकॉम ऑनर्स और बीबी ऑनर्स की सीट 50-50 बढ़ाने को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है। इसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि 2 साल पहले बीकॉम ऑनर्स और बीबी ऑनर्स में 100-100 सीट हुआ करती थी, जो अब 60 है, और इसको उन्होंने पुनः 100-100 करने के लिए आवेदन किया। संबंधित डिपार्टमेंट्स के हेड्स को बुलाएंगे कल, और माननीय कुलपति जी भी कल आ जाएंगे, छुट्टी पे हैं, और उसके बाद इनकी मांग।